क्या अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी अब नहीं होगी रिलीज 30 अप्रैल को? चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी कोरोना काल से पहले, और अब इस फिल्म के रिलीज डेट को अनाउंस कर चुके हो गया है एक पूरा साल। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म सूर्यवंशी जो है, पहले तो खबरें आ रही थी कि OTT पर रिलीज होगी, पर फिर मेकर्स के डिस्कशन के बाद फिल्म को 30 अप्रैल को रिलीज करना तय हो चुका था, क्योंकि फिर फिल्म को फर्स्ट में महाराष्ट्र दिन की जो छुट्टी है उसका भी लाभ उठाने मिलता। दोस्तों पर अब खबरें ये आ रही है कि क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो फिल्म जो है वो इतनी नहीं देख पाएंगे लोग, और इसलिए अब मेकर्स के सामने सिर्फ और सिर्फ 3 विकल्प बचे हैं। एक कि वो OTT रिलीज़ कर दे फिल्म को, या फिर दूसरी चीज़ कि वो पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ करे और फिर OTT पर रिलीज़ करे, या फिर फाइनली दोनों यानी सिनेमाघरों में और OTT पर एक साथ रिलीज़ कर दे। हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि आखिरकार फिल्म कहां पर रिलीज़ होगी और कब रिलीज़ होगी, पर अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है कि शायद से अब अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, जिसको बने हुए एक साल के ऊपर हो गया है, अब ये फिल्म जल्द ही होगी रिलीज OTT पर। आपको क्या कहना है और आप फिल्म को कहाँ देखना पसंद करेंगे, OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर सिनेमाघरों में? बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।